पायल अपने पति अजीत, सास ससुर हरिया जानवी और देवर देवरानी रमेश कविता के साथ एक बड़े से घर में रहती है। अजीत और रमेश ये दोनों भाइयों की शादी एक साथ कुछ दिन पहले ही हुई थी। पायल बहुत ही अमीर परिवार की बिटिया थी और कविता गांव में रहने वाली गरीब परिवार की बिटिया थी। एक दिन सवेरे, पायल मेरे लिए चाय नाश्ता ले आओ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। सुन कविता, तेरे जेठ जी के लिए चाय नाश्ता बना देना। जेठानी जी, मैं रमेश के कपड़ों पर प्रेस करने जा रही थी। अरे देवर जी तो निकम्मे इंसान है, कोई काम धाम तो करते नहीं। वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, इन सब के सिवा उन्हें आता है क्या? जा तू पहले अजीत के लिए चाय नाश्ता बना, बाद में देवर जी के कपड़े इस्त्री करना। पायल बहू, तू रमेश का गुस्सा जानती है ना, उसे समय से हर चीज मिलना चाहिए, वरना वो बहुत तमाशा करने लगता है। अरे आप लोग तो देवर जी को ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। पायल मैं रास्ते में ही चाय नाश्ता कर लूंगा। पड़ गई ठंडक? मेरे पति सारा दिन मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, इस घर का खर्च उठा रहे हैं, और उन्हें एक निकम्मे इंसान की वजह से अपने घर में चाय नाश्ता करने का भी अधिकार नहीं है। पायल बहू, तू क्यों हमेशा कविता और रमेश के पीछे पड़ी रहती है? अजीत रमेश का भाई और इस घर का बेटा है, हम सब अपने अजीत की कमाई खाते हैं, समझी ना? तुम अपने मायके से नहीं लाती हो पैसा जो इतना रुआब झाड़ रही हो, जाकर काम करो घर का। जानवी हरिया अपने कमरे में चले जाते हैं और कविता रमेश के पास अपने कमरे में चली जाती है। हरिया जानवी अपने बेटों में सबसे ज्यादा प्यार रमेश से ही करते थे, बचपन से वो रमेश की हर ख्वाहिश पूरी करते आ रहे हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे तो नौकरानी बना दिया है सबने इस घर में, ये सब तेरी वजह से हो रहा है गरीब कविता। कविता बहुत ही भोली थी और पायल बहुत ही चालाक। पायल रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद, पायल बहू खाना बन गया? हाँ बन गया माँ जी। जा अब घर की सफाई कर दे पायल बहू। माँ जी जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से सारे काम मैं अकेले ही कर रही हूँ। आप तो उस कविता को कोई काम कहते ही नहीं, वो तो बस सारा दिन देवर जी की सेवा में लगी रहती है। पायल बहू तुझे रमेश के बारे में पता है ना, वो कैसा उल्टे दिमाग का है। वो कविता बहू को एक ही काम 10 बार करने लगाता है और ऊपर से उसे मारता भी है। वो बेचारी तो सारा दिन रमेश की ही सेवा में लगी रहती है। जा तू सफाई कर दे। रमेश बहुत जिद्दी था, वो कविता से सारा दिन अपनी सेवा करवाता रहता था। इधर कविता रमेश के साथ उसके कमरे में रमेश के कपड़ों को इस्त्री किए जा रही थी, तभी रमेश कविता को पीटने लगता है। तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि सही से इस्त्री कर कुर्ते को, सवेरे से 10 बार एक ही कुर्ते को बार बार प्रेस किए जा रही है तू। जी मैं तो हर बार अच्छे से ही प्रेस कर रही हूँ आपके कुर्ते को, आप ही को जगह जगह कुर्ते पर झुड़ियां नजर आ रही है। जब तक तू कुर्ते को सही से प्रेस नहीं कर देती यहाँ से हिलना भी मत। रमेश कविता को इसी तरह परेशान करता था और उसे मारता रहता था। बचपन से रमेश की हर जिद पूरी करने से आज रमेश इतना जिद्दी हो चुका था और बेचारी कविता सारा दिन उसी की मार खाती रहती है। तभी जानवी पायल कविता के कमरे में आते हैं। रमेश, कविता बहू चलो चलकर खाना खा लो। माँ आप मेरा खाना कमरे में ही भेज दीजिएगा, ये कविता तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक ये मेरे शर्ट को अच्छे से प्रेस नहीं कर देती। जानवी पायल वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। रमेश वैसे तो कोई काम नहीं करता था पर वो अपनी सेवा करवाने में कविता को पागल कर देता था और ना उसे घर का कोई काम करने देता था, जिसके चलते पायल को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन रात में पायल अजीत अपने कमरे में थे। अजीत आपके भाई की वजह से मैं तो इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ, सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है, देवर जी तो उस कविता को कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते। क्या करे पायल, माँ पिताजी को रमेश के बारे में बोलो तो वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाते हैं। ये क्या बात हुई, इस घर का सारा खर्च आप चलाते हो, मेहनत करके आप पैसे कमाते हो और आप किस घर में कोई सुनता तक नहीं, और एक वो आपका निकम्मा भाई है जो कोई काम तो करता नहीं है और ऊपर से सारा दिन अपना रुआब झाड़ता रहता है। पायल जाने दो। नहीं जी अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये घर आपकी ही कमाई से लिया हुआ है ना, इसे आप ससुर जी के नाम से अपने नाम पर करवा लीजिए। एक बार ये घर अपने नाम हो गया ना तो हम इन सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन सवेरे पायल रमेश के कमरे के पास जाती है तो रमेश अंदर कमरे में कविता को बेरहमी से पीट रहा था। अरे वाह ये उपाय पहले क्यों नहीं आया मेरे मन में, अब देखती जा कविता मैं कैसे तुझे इस घर के हर इंसान की नजरों में बुरा करती हूँ। पायल जानवी के पास जाती है।
अरे माँ जी, अभी मैंने देवर जी और कविता की बातें चुपके से सुनी। कविता देवर जी से कह रही थी कि रमेश आप इसी तरह रोज रोज बहाना बनाकर मुझे कमरे में बुलाया कीजिए, फिर सबके सामने मुझे मारने का नाटक किया कीजिए, ताकि सबको यकीन हो जाए कि आप सच में मुझे सता रहे हो, और फिर मैं कमरे में आराम किया करूंगी और घर के सारे काम हमेशा की तरह जेठानी जी करेंगी। बोली, मुझे घर के काम करना, माँ जी ससुर जी की सेवा करना जरा भी अच्छा नहीं लगता। क्या वो कविता ऐसे बोल रही थी? हाँ माँ जी, उस कविता ने देवर जी को अपने वश में कर रखा है। देवर जी और कविता हमारे साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। इतने दिनों से वो दोनों हम सबको बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। क्या उस गरीब कविता की इतनी हिम्मत? वो घर के काम से बचने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही थी। अब देखती जा पायल बहू, आज से घर के सारे काम वो कविता करेगी। थोड़े समय बाद कविता अपने कमरे से बाहर आती है। कविता बहू, तू आज से घर के सारे काम करेगी। चल रसोई में जाकर खाने की व्यवस्था कर, और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर, कपड़े धो, बर्तन धो, ये सब काम हो जाए तभी अपने कमरे में जाना, समझी? चल जा अब। कविता रसोई में खाना बनाने चली जाती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, तभी रमेश बाहर आता है और कविता को मारने लगता है। मैं सवेरे से तुझे आवाज लगाकर थक चुका हूँ, कहाँ थी तू? हाँ जी, वो माँ जी ने मुझे घर के काम करने के लिए कहा है, तो मैं वही कर रही हूँ। ये सब काम छोड़ और मेरे लिए खाना बनाकर जल्दी से कमरे में ले आ। कविता रमेश के लिए खाना बनाने चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, तभी पायल जानवी के पास आ जाती है। देखा आपने माँ जी, उस कविता को घर के काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उसने चालाकी से देवर जी को नीचे बुलाया और फिर उनके साथ कमरे में चली गई। ये सुनकर जानवी रमेश के कमरे में जाकर कविता को खींचते हुए कमरे से बाहर ले आती है और उसे घर के काम में लगा देती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। जानवी कविता को घर के काम करने में लगाती थी और रमेश उसे वो काम छोड़ने को कहकर अपने काम में लगा देता था। इसी तरह बेचारी कविता अपने पति और घर के काम में एकदम से उलझ गई थी। इन सब में इधर अजीत और पायल हरिया की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। एक दिन सवेरे जानवी कविता और रमेश को खूब खरी खोटी सुना रही थी। माँ जी, ये तमाशा आप लोग कहीं और जाकर कीजिए, चले निकले इस घर से बाहर। पायल बहू, तू हमें हमारे ही घर से बाहर जाने के लिए कह रही है? तभी पायल अपने हाथ में रखे हरिया के संपत्ति के पेपर हरिया और सबको दिखाती है। वो सारी संपत्ति अब अकेली पायल के नाम हो चुकी थी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब ये सारी संपत्ति की मालकिन मैं अकेली हूँ, हमने ये सारी संपत्ति हमारे नाम करवा दी है, चलिए चलिए निकलिए यहाँ से। अजीत, ये पायल बहू क्या कह रही है? उसके बाद पायल और अजीत दोनों मिलकर सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। रमेश, कविता, हरिया और जानवी ये चारों रोते रोते सड़क से पैदल चले जा रहे थे। ये सब क्या हो गया, मेरे अपने भाई ने हमें घर से निकाल दिया। जी एक दिन तो ये होना ही था ना। मैं तो आपको कह कह कर थक चुकी हूँ कि आप कोई काम कीजिए जी, पर आप तो किसी की एक नहीं सुनते थे। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना, बेरोजगार घर में बैठे रहते और ना ये सब होता। अगर आप भी जेठ जी की तरह काम करके पैसे कमाते तो ये कभी नहीं होता। माँ जी, जेठानी जी ने आपको मेरे खिलाफ बहका कर हम सबको एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त कर दिया, और उधर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी संपत्ति को अपने नाम करने में लगे रहे। रमेश, अभी भी मौका है, अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने आवारा शौक बंद करके अच्छे से काम करके पैसे कमाइए और अपने परिवार का सहारा बनिए, क्योंकि हर बार आपको अजीत जेठ जी जैसा इंसान कमाकर नहीं खिला सकता। तुम सही कहती हो कविता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी वजह से आप सब बेघर हो गए, पर आप सब चिंता मत कीजिए, अब मैं रात दिन मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और अपनी कमाई के दम पर अजीत भाई को एक घर खरीद कर दूंगा। उसके बाद कविता उन सबको अपने मायके ले जाती है और वो सब कविता के छोटे से घर में रहने लगते हैं। तभी रमेश दूसरे दिन से गांव में जाता है और गांव में रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाकर अपने माता पिता और परिवार का पालन पोषण करता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और रमेश अपनी कमाई से अपना खुद का एक बड़ा सा घर खरीद लेता है और अपने माता पिता और पत्नी के साथ उस घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परेशानियों का आना भी जरूरी होता है जिससे कि हमारी आंखें खुल सके और हम अपने जीवन की अहमियत को समझ सकें।